हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमें मिल रही है GLB और ये कार बहुत मार्वलस है। देखने में तो बहुत ही ज़्यादा क्लासी है, चाहे हम इसके एक्सटीरियर की बात करें चाहे इंटीरियर की बात करें, माइंड ब्लोइंग व्हीकल है। लेकिन ये ड्राइव में कैसा है उसको टेस्ट करेंगे। अब गाड़ी को लेकर चलते हैं हम लोग कसौली, और वहाँ पर चाहे सिटी ड्राइव की बात करें, चाहे हम लोग हाईवे की बात करें या फिर बात करें माउंटेन्स की, हर टेरेन के ऊपर इस गाड़ी को टेस्ट करने वाले हैं। और उसके बाद आपको बताऊंगी कि गाड़ी की ड्राइव भी उतनी ही मार्वलस है या कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट करती है। लेट्स चेक इट आउट। तो चलिए, अब हम लोग ड्राइव कर रहे हैं GLB को और हम इस कार को लेके जाएंगे टुवर्ड्स कसौली। इसे लेके जा रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि कार के अंदर जैसे ही आप बैठते हैं, जो पहली चीज़ आपके माइंड में आएगी, दैट इज़ वाओ फैक्टर। गाड़ी का फील बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। सिटिंग कम्फर्ट की अगर मैं बात करूँ तो यस, सिटिंग इज़ रियली कम्फर्टेबल। मैंने हर सीट पर बैठ के देखा है। अभी आधा रास्ता तो मैंने पैसेंजर सीट पर ही बैठ के काटा है यहाँ पर, तो मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब सिटिंग वाइज तो आपको बहुत कंफर्टेबल लगता है, फुल ऑन विजिबिलिटी है। ब्रेक्स के लिए बताना चाहूँगी आपको, यहाँ पर आपको ऑटोनोमस ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। आपकी चॉइस है, आप उसे इंगेज करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। इमरजेंसी ब्रेकिंग के लिए उसको बेसिकली यूज़ किया जाता है कि अगर आपका कोई कंट्रोल, आप कार जज करती है, वो सेंस कर लेती है कि आपका कहीं पर भी आपने एक्सेलरेट नहीं कर रखा, आप ब्रेक के ऊपर से भी आपके पैर गायब हैं और लग रहा है उसे यार कोई बस या कोई रिक्शा या कोई स्कूटर आपके आसपास आ रहा है, तो कार आपकी इमीडिएट ब्रेक ले लेगी, जो बहुत रिक्वायर्ड फीचर है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। यहाँ पर आपको ABS, EBD, ESP, ये सारे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको 7 एयरबैग्स दिए जाते हैं। अच्छा, AC की बात करें तो AC इज़ रियली गुड। यहाँ पर बाहर की साइड में 40 डिग्रीज टेम्परेचर है, 40.5 ये शो कर रहा है, मीन्स 41 डिग्री है, और कार के अंदर आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा। इनफैक्ट जैसे ही हमने बहुत सारी बार यहाँ से गाड़ी से निकले हैं बाहर और जैसे ही कार के अंदर एंटर करते हैं तो इमीडिएट कूलिंग आपको देता है, थोड़ा सा मतलब कुछ सेकंड्स का ही हॉल्ट है। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा टाइम ले रहा है AC कूल करने के लिए, तो यहाँ पे AC को अप्रिशिएट करेंगे। सस्पेंशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए, अभी हम बहुत प्लेन रोड के ऊपर चला रहे हैं, बिल्कुल आपको यहाँ पे फील नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ कहीं कहीं बम्प्स आ रहे हैं, जर्क्स आ रहे हैं, वो भी बहुत स्मूथली ये क्रॉस कर देता है। तो सस्पेंशन वाइज इट इज़ कूल। स्टेयरिंग कंट्रोल की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टेयरिंग आपका बहुत लाइट साइड पर नहीं है, जितना रिक्वायर्ड होना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस व्हीकल नहीं है बेसिकली, ये आपका नॉर्मल है, AMG वर्जन नहीं है ये, लेकिन तब भी आपका जो स्टेयरिंग है उसको बहुत लाइटर साइड पे नहीं रखा गया, तो बहुत कमांडिंग सी आपको फील आती है, एवरीथिंग इज़ इन योर कंट्रोल। तो मुझे इस तरीके की स्टेयरिंग ही पसंद है। अगेन यहाँ पर इंडिविजुअल चॉइस होगी, कई लोगों को थोड़ा लाइट पसंद आता है, मुझे ये वाली सेटिंग ज़्यादा पसंद है जो इस टाइम पर हम GLB में इंजॉय कर रहे हैं। और वाइल्ड ड्राइविंग यार, हम लोग म्यूज़िक को इंजॉय करते हैं, तो यहाँ पे मर्सिडीज़ का स्टैंडर्ड म्यूज़िक सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जिसमें आपको 9 स्पीकर मिल जाते हैं, और मैं आपको सुना नहीं सकती बिकॉज ऑफ कॉपीराइट। अभी कहीं रुकेंगे तो मैं आपको कोई MCS का म्यूज़िक प्ले करके सुनाऊंगी। चलिए, अब थोड़े से हम लोग बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की। यहाँ पर हमारे पास 8 DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इज़ गिवन। ऑब्वियसली यार, इतने पैसे लगा के गियर तो लगाने वाले नहीं हो आप, तो ये गाड़ी आपको सिर्फ ऑटोमेटिक में ही मिलती है। गियर शिफ्टिंग की अगर आप बात करेंगे तो आपको कोई भी यहाँ पर लैग फील नहीं होता, शिफ्ट को आप बिल्कुल नहीं फील करने वाले, बहुत ज़्यादा स्मूथ ड्राइव है। और इस टाइम मैं इस कार को ड्राइव कर रही हूँ अराउंड 75-80 पे भी पहुँच गई थी। बहुत ज़्यादा स्टेबल व्हीकल है ये, ज़्यादा आपको मतलब ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी हमारी बैलेंस में नहीं है, बहुत कंट्रोल्ड व्हीकल के लिए बोला जाएगा। बाकी हम अगर कॉस्मेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है, जो मर्सिडीज़ की कार में मुझे बहुत ज़्यादा स्मार्ट एक फीचर लगता है, लेकिन यहाँ इस वाले GLB के अंदर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है कि यार थोड़ा जो GLS VLS वाला फील दे देते, लेकिन भैया इतने करोड़ों रुपये आपको फिर खर्च करने पड़ते। अगर आप इस कार के प्राइस की बात करेंगे, इट इज़ 67.80 एक्स शोरूम की बात कर रहे हैं, डीजल वेरियंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास 4MATIC का भी ऑप्शन है। 4MATIC इज़ बेसिकली स्मार्ट 4x4 जिसे आप कहते हैं, अदरवाइज जो हम 4x4 कार में लगाते हैं, नॉर्मल हमने गियर लगाया, हमारे चारों व्हील्स के अंदर इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पर आपका बेसिकली ये होता है कि जिस टायर को जितनी पावर की रिक्वायरमेंट है उतनी ही पावर उसके अंदर जाएगी, हर टायर इक्वल नहीं होता, हर टायर आपका स्मार्टली पावर के साथ मूव करता है।
यहाँ पर आपको 10.25 इंचेस का इंटीग्रेटेड स्क्रीन मिल जाता है, जिसमें आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड आपका इंफोटेनमेंट को क्लब कर दिया गया है बहुत स्मार्टली। यहाँ पे बीच में डेड स्क्रीन है जो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, बहुत स्मार्ट क्लब अप है। और इसका कॉपी आपने बहुत सारी कार्स में देख ली होगी, आजकल हर एक गाड़ी के अंदर यही पैटर्न कॉपी किया जाता है, लेकिन यार इसका ओरिजिनेटर हमारा मर्सिडीज है। यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, पिक्सल डेंसिटी इज़ रियली हाई। इंफोटेनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, नेविगेशन, एवरीथिंग इज़ देयर एंड एवरीथिंग इज़ वायरलेस। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आप आएंगे तो ये आपका फुल ऑन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जहाँ पर आपके स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ये सारी चीज़ें हैं। और जो आपका सेंटर है, यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लाइक योर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे आपको मिल जाता है, कोई आपका डोर ओपन है वो आपको पता चल जाता है, योर ट्रिप एवरेज, फ्यूल इकोनॉमी, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियरली दिखाई देती है। यहाँ पर आपके पास एक नॉब है, यहाँ पे डायनेमिक मेंशन किया गया है, दिस इज़ बेसिकली फॉर ड्राइव मोड्स। आपके पास यहाँ पर इंडिविजुअल, स्पोर्ट, कंफर्ट एंड ईको, ये अलग अलग ड्राइव मोड्स है, जिसमें आपको मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि स्पोर्ट पे जाते हो तो हमारा आरपीएम थोड़ा हाई चला जाता है, कंफर्ट पे थोड़ी अलग सेटिंग लेके चलता है, तो उस हिसाब से आप अपने ड्राइव मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं एज़ पर योर चॉइस। सामने की साइड में आपको ये मोड्स दिखाई दे रहे होंगे अलग अलग, ये आपके लेआउट्स हैं बेसिकली, क्लासिक, स्पोर्ट, प्रोग्रेसिव, अंडरस्टेटेड। आप अपने मूड के हिसाब से अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लेआउट सेट कर सकते हैं लाइक दिस। और ये आपका नेविगेटर है बेसिकली, जैसे मुझे स्पोर्ट करना है, आप प्रोग्रेसिव पे जाएंगे तो आपका लेआउट हो जाएगा कुछ ऐसा। अच्छा, अभी अब मैंने आपको अलग अलग लेआउट्स दिखाए और आपको मैंने बताया कि बहुत सारी कार्स में आजकल ये सेम पैटर्न कॉपी किया जाता है। बेसिकली इंटीग्रेटेड स्क्रीन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आजकल की डेट में, ग्राफिक डिस्प्ले आपको मिलता है, लेकिन ग्राफिक डिस्प्ले से प्ले करना कि जैसे जैसे हमारे लेआउट चेंज हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये हर कंपनी नहीं कर रही जितना स्मार्टली इसको मर्सिडीज़ करता है। आपको मैंने बीएमडब्ल्यू में दिखाया है कि वहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है, सिर्फ आपके कलर चेंज होते जाते हैं, ब्लू हो जाएगा, स्पोर्ट के लिए रेड हो जाएगा, यहाँ पे आपका कंप्लीट लेआउट चेंज होता है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब अट्रैक्शन देती है। अगर आप बहुत कार एंथुजियास्ट हैं और गाड़ी से प्यार करते हैं और आपको छोटी छोटी डिटेल्स को आप नोटिस करते हैं, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो गाड़ी के अंदर होनी चाहिए, और बाकी ब्रांड्स को भी यहाँ से थोड़ी सीख लेके कर लेना चाहिए। यार अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर कार की, GLB की, और इसके कॉम्पिटिटर्स की, तो एज ऑफ नाउ इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ये 7-सीटर व्हीकल है और जिस बजट के अंदर ये आती है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग CBU यूनिट, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्शन दे रहा है, और 7-सीटर कार है तो यहाँ पर इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, नया सेगमेंट में उसको लाया गया है, तो यहाँ पर हम मर्सिडीज़ के एफर्ट को बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे कि एक नई चीज़ लाई गई है जो इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, और आपको यहाँ पर 2 एड ऑन सीट्स मिल जाती है। उन सीट्स के बारे में मैंने आपको बताया था वॉक अराउंड में, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि वहाँ पर कितना स्पेस है, कितना क्या है, वो डिटेल्स आप फर्स्ट वीडियो में देखिए। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है आपका ऑटो पार्क पायलट, जिसमें आपकी कार अपने आप को पार्क कर देगी, आपको उसमें कुछ नहीं करना, आपको हर जगह से अपना कंट्रोल हटा लेना है, स्टीयरिंग पे आपका हाथ नहीं होना चाहिए, ब्रेक आपको नहीं लगानी है, एक्सेलरेट आपको नहीं करना है, गियर तो खैर ये ऑटोमेटिक है तो अपने आप जज करेगा, सिंपली आपकी कंडीशन है कि आपकी सीट बेल्ट लगी होनी चाहिए और जो आपकी स्पीड है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 18, तो उसके बाद आप इसको सिंपली आपको एंगेज करना है और गाड़ी आपकी ऑटोमेटिकली पार्क हो जाएगी। अच्छा, वॉइस कमांड आपको मैंने बताया कि इस कार के अंदर आपको वॉइस कमांड दिया जाता है, आपको सिंपली यू हैव टू से हे मर्सिडीज़, उसके बाद आप अपना सनरूफ ओपन करा सकते हैं, टेम्परेचर सेट कर सकते हैं एसी का, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी सिंपली बाय गिविंग एनी कमांड। एक और चीज़ है, यहाँ पर आपके पास मर्सिडीज़ मी कनेक्ट आपको मिलता है, इस फीचर की हेल्प से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आप अपने इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना टायर प्रेशर को चेक कर सकते हैं, आप अपना फ्यूल का स्टेटस चेक कर सकते हैं, गाड़ी का लोकेशन आपको पता चल जाएगा, कार आपने कहाँ पर पार्क की अगर आप भूल गए हैं तो। और भी यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, 42 to 45, मतलब ये वेरी करता है अलग अलग वेरिएंट के अकॉर्डिंग। और यार मेनली यहाँ पर ये है कि CBU यूनिट है, जिसका अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा कि यार गाड़ी हमारी बाहर से बनके बिल्कुल हमारे पास आ गई है, इम्पोर्टेड कार है हमारी, तो वो अट्रैक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पर है। बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं किया गया गाड़ी को, मतलब बहुत स्मार्ट प्राइस रेंज के अंदर बहुत अच्छे फीचर्स के साथ लाया गया है।
तो चलिए दोस्त, ये थी हमारी मर्सिडीज जीएलबी की ड्राइव। आपको कैसा लगा ड्राइव एक्सपीरियंस? मुझे तो बहुत मज़ा आया चला के। अगर गाड़ी प्लान कर रहे हो तो यार इसको कंसिडर कर सकते हैं, बहुत नया प्रोडक्ट है, बिल्कुल नया लॉन्च है, ख़रीदने लायक प्रोडक्ट बोलूँगी मैं इसे। लास्ट की बस रो का ये इसमें बोला जा रहा है कि 7-सीटर व्हीकल है, लेकिन लास्ट वाला थोड़ा सा रिकमेंडेड है फॉर द किड्स, बड़े लोग इसमें नहीं इतना कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, लेकिन स्टिल आपके पास जगह दी गई है। और गाड़ी का जो प्राइस है वो CBU यूनिट होने के बावजूद भी काफ़ी आपके बजट के अंदर है। मर्सिडीज़ की कार में बजट बोलना तो मुझे लगता है बेवकूफ़ी है, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं कि यार CBU है तो करोड़ों में तो जाएगी, नहीं है इतना नहीं है। और आपको गाड़ी कैसी लगी बताइएगा मुझे ज़रूर, और फिर मिलते हैं आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल।